फंकी इंडियन वेयर चाहिए तो इस दिल्ली की मार्केट को जरूर कवर करना। ये है लाजपत नगर मार्केट, जहाँ आपको मिल जाएंगे बहुत सारे चिकनकारी कुर्ते, बहुत सारी लहंगा चोली के सेट्स और आलिया भट्ट स्टाइल या बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टाइल के कुर्ते, बहुत ही ब्यूटीफुल और काफी रीजनेबल प्राइस पर डिजाइनर वेयर चीजें मिल जाएंगी। और मैं सारी हिडन गलियां और शॉप्स आपको बताऊंगी इस पूरी मार्केट की, तो इन तक जरूर देखना। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंकिनेस विद भावना। डिलीवरी के बाद मैं अब थर्ड मार्केट कवर कर रही हूँ, वो है लाजपत नगर, और बहुत अमेजिंग कलेक्शन दिख रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। कह रहे हैं कि सीजन चल रहा है वेडिंग का, और वेडिंग का ना भी चल रहा है तो आगे बहुत फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो अभी से कलेक्शन बनानी शुरू कर देनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा कैजुअल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा सेमी फॉर्मल फॉर्मल लुक वाली चीज़ें दिखाऊंगी, फिर फैब्रिक भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। काफ्तान सेट ये पिछले दिवाली से चलते आ रहे हैं और अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं, और गोटा पट्टी जो भी कहते हैं उसके वाले सूट भी हैं यहाँ पे भी। और ये है ना, दुपट्टा विथ पूरा सेट है। तो अब चलते हैं अपने वाले शॉर्ट पे बॉबी टेक्सटाइल। सो बॉबी टेक्सटाइल की जो कलेक्शन है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, यहाँ पर लेटेस्ट स्टाइल्स मिल जाते हैं। सो ये पर्टिकुलर शॉप है जो स्टैन मैक्स के ऑपोजिट है, इनके पास मिल जाएंगे बॉलीवुड स्टाइल के डिज़ाइनर वेयर टाइप के बहुत सारे कुर्ता सेट्स वगैरह, जिसमें अनारकली स्टाइल और विद शरारा टाइप के भी मिल जाएंगे गोटा पत्ती वर्क के साथ। और उसके अलावा यहाँ पर मिल जाएंगी शादी के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए, और यहाँ पर मैंने इनका नंबर भी दिया है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूँगी आपको। तो इसमें धोती स्टाइल के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लहंगा चोली भी इनके पास, और धोती स्टाइल में एक पूरा सेट है जिसमें जैकेट और क्रॉप टॉप भी मिल जाएगा। तो कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अमेजिंग है, और जो फैब्रिक मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आपको, गुड क्वालिटी टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी रीजनेबल है फ्रॉम एनी डिज़ाइनर ब्रांडेड वेयर। तो ये रहा नंबर, आप नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके भी। देन एक गली में मुझे बहुत ही अच्छी ब्लाउज़ वाली शॉप मिली, जहाँ पर काफ़ी फिक्स प्राइस वाली चीज़ें भी थी, और यहाँ पे आप स्टिच भी करवा सकते हो, इनफैक्ट आप कुछ चेंजेस ऑल्टरेशंस भी करा सकते हो, अगर आपको पैड्स नहीं चाहिए, स्लीव्स चाहिए, स्लीव्स नहीं चाहिए, स्लीव्स लंबी चाहिए, तो यहाँ पर वो सब भी हो जाएगा, इनके पास अपना टेलर भी है। ये है राइट चॉइस के काफ़ी पास में, इसी के पास एक और बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ पर आपको मिल जाएंगी एथनिक वेयर चप्पल्स, जहाँ पर मेरे को बहुत ही क्यूट चप्पल्स मिल चुकी हैं, यहीं पर लेटेस्ट स्टाइल्स की आती हैं, पूरे लाजपत नगर से ज़्यादा अच्छे स्टाइल की आपको चप्पल यहीं पे मिलेंगी, जिसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह लगी होगी, और मैंने इसमें से एक ख़रीदी भी है जो मुझे बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, क्योंकि कलर्स इसके इतने डिफरेंट और यूनिक थे। प्राइसिंग पॉइंट बताऊँ तो 550-600 रुपीज़ के अराउंड वो कोट करते हैं, कभी कभी बार्गेन भी कर लेते हैं, बट आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी फिक्स प्राइसेस भी इन्होंने कर रखे हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसी जूतियों पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लगी हुई बहुत ही क्यूट लगती है, और ये शादी या फिर किसी सेमी फॉर्मल फंक्शन के लिए भी काम आ जाती है। इनके पास बूट्स की भी कुछ ऑप्शंस थी, लेदर बूट्स थे, रियल लेदर के बूट्स हैं, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे 2000 रुपीस के अराउंड, क्योंकि लेदर बूट्स वैसे एक्सपेंसिव आते हैं। उसके बाद इनके पास हिप्पी चप्पल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, तो ये है वो पर्टिकुलर चप्पल जो मुझे काफ़ी क्यूट लगी, एथनिक वेयर के साथ पहनने के लिए काफ़ी सही थी। फिर स्टैन मैक्स के पास ये एक और शॉप है जहाँ पर गोटा पत्ती वर्क वाले फिक्स प्राइस, मतलब 1750 ऐसे करके आपको सूट्स मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे कलर वेराइटी भी थी, और इनके पास काफ्तान भी मिल जाते हैं। फिर एनके सन्स है जो कि किन्स और चुनमुन के आसपास है, जो जहाँ पर चिकनकारी कुर्ते वगैरह मिलते हैं, मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाती हूँ, वहाँ पर आपको लोअर्स भी मिल जाएंगे जो आपको सूट सेट्स के साथ मैच करने के लिए। तो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ कहाँ पर हम एग्जैक्टली, वहाँ पर ये एनके सन्स में 300 रुपीज़ के आपको अलग अलग टाइप के कुर्ते भी मिल जाएंगे और दुपट्टे वगैरह भी मिल जाएंगे। चिकनकारी कुर्ते इन्होंने ऐड करे अभी रिसेंटली, नहीं तो पहले इनके पास डिफरेंट स्टाइल के होते थे कुर्ते, जिसमें ब्लॉक प्रिंट या प्रिंट्स अलग अलग टाइप के फ्लोरल वगैरह भी मिल जाते थे। सो मैं आपको पूरी वीडियो में दो तीन टाइप के शॉप्स दिखाऊंगी जिनके पास ब्लाउजेस मिल जाते हैं अलग, ज़्यादा प्राइसिंग में फ़र्क नहीं होगा, बट फिर भी बार्गेनिंग कहीं कहीं जगह ज़्यादा ईजियर होती है। तो ये वाली एक पर्टिकुलर शॉप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो अब हम हैं बजरंग क्रॉकरी एंड नारंग गारमेंट्स के पास, और यहाँ पर दो शॉप्स हैं मेन फॉर
ब्लाउजेज एंड सम स्कर्ट्स। लेट मी शो यू, यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए सेट्स भी पड़े हुए हैं, नहीं तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाले, ये हेयर इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा बट फिर भी कलर बड़े अच्छे हैं और इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है गोटा वर्क के साथ। और ये है बनारसी सिल्क टाइप की स्कर्ट, इनके पास और स्कर्ट्स भी हैं जैसे कि फ्लोइंग टाइप की ऐसे वाली पीच कलर, अच्छा लगा। तो ये पूरा सेट बना हुआ है, ये भी अच्छे सेट्स बने हुए हैं, थोड़ा पीछे से लेना, नीचे लगा ले। शॉप का नाम है रूबिया बाजार और नंबर भी मैं अभी आपको शो करती हूँ कार्ड पे, आप इनको भैया ऑनलाइन ऑर्डर ले लें, ऑनलाइन ऑर्डर ले लेते हैं। सो बड़ा प्रिटी लग रहा है मुझे तो, और अभी ना कह भी रहे कि वो चल रहा है साया शादियों का समर्स वाली, तो लेट्स एक्सप्लोर लिटिल बिट मोर। तो ये रहा एड्रेस और साथ में नंबर भी मैं नीचे नोट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और आगे चलते हैं हम, तो ये अलग अलग कलर्स हैं, अगर आपको सिर्फ ब्लाउज भी लेके जाना है यू कैन बाय फ्रॉम हियर, आप पैड लगवाने हैं हटवाने हैं वो भी कर सकते हैं, वेरी प्रिटी, खरीद के रख लो, रेडी रख लो। एक ब्लाउज तो मुझे भी लेना है, रेडी रखना है अपनी साड़ियों के साथ के लिए, तो मैं सोच रही हूँ क्या लूँ। ये थोड़ा सा और कॉकटेल स्टाइल के ब्लाउज, बड़े स्टाइलिश लगते हैं, इसको आप लहंगे के साथ पहनो साड़ी के साथ पहनो, इसमें पीछे डोरी भी है तो बड़ी स्वीट लगती है ऐसी बैग, कलेक्शन बहुत अच्छी है, तो यू मस्ट कम हियर और यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर। नूडल स्ट्रैप मम्मी बता रही हैं, दिस इज कॉल्ड जहाँ से एक्चुअल स्टाइलिंग आई थी, डीप नेक वाले हैं ये थोड़े, बट ये साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि डीप नेक्स बड़े स्वीट लगते हैं जब आपकी साड़ी साइड में आ रही हो, एंड देन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर ज्वेलरी आल्सो, क्योंकि नेक लाइन जब डीप होती है तो विद द पल्ला सारा, हाँ, नेक लुक्स नाइस, हाँ, रानी हार एंड स्टोन बहुत कुछ पहन सकते हैं। वेरी प्रिटी शीशे वाला, ये मैंने जौरी में भी दिखाया था, और इसमें पीछे डोरियां हैं और टैसल्स भी हैं, बहुत अच्छी डिटेलिंग है, शेल्स हैं, शीशे हैं, बहुत सारी डिटेल है। बजरंग क्रॉकरी के बिल्कुल साथ में गली जा रही है जहाँ पर एक और शॉप है जहाँ पर ये वाले पर्टिकुलर टाइप के मिल जाते हैं जो बाकी शॉप्स पे नहीं अवेलेबल थे, जो ये इंडियन कॉटनिश टाइप के प्रिंट्स वगैरह मिल जाएंगे और 1200 रुपीस के अराउंड ये कोट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है, तो आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी बार्गेनिंग स्किल्स आपको तो 200-300 का फ़र्क मिल जाएगा। उसके बाद ये एक वॉशरूम आता है जब आप इनके सन से गली की तरफ जाते हो बजरंग क्रॉकरी की तरफ, तो वहाँ पर यहाँ पर ज़ारा की चप्पल्स मिल रही हैं, लिटरली लिजिट यहाँ पे 3000 रुपीज़ की ज़ारा वाली चप्पल्स डुप्लीकेट मिल रही हैं, उसके अलावा यहाँ पे क्रॉक्स वगैरह भी मिल रहे हैं और बहुत डिफरेंट स्टाइल की चप्पल्स भी मिल जाएंगी जो आप घर पे भी पहन सकते हो, कहीं किसी और वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी मैच कर सकते हो। सो इस शॉप का नाम है माही फुटवेयर, इसका भी सारा डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप कलेक्शन देख लो, काफ़ी फिक्स प्राइस है बट फिर भी हमने बार्गेन करा था तो थोड़ा सा ये मान भी गए थे। इनके पास जूतीज भी मिल रही हैं, वही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वाली। उसके अलावा यहीं पर बजरंग क्रॉकरी के ऑपोजिट एक दीप्ति क्रिएशंस करके मैं पहले भी शॉप दिखा चुकी हूँ, कोटा पत्ती वाले सबसे अच्छे वैरायटी की जो सूट्स हैं इनके पास मिलते हैं, जो शरारा के साथ आते हैं, जो मिंत्रा वगैरह पे 5000 रुपये के मिलते हैं, यहाँ 3000 रुपये के मिल जाएंगे, और इनके पास कलेक्शन भी बहुत सारी है, मतलब डिफरेंट कलर्स और कॉम्बिनेशंस में है और बॉयज़ के लिए भी है। उसके बाद इसी के पास एक चिकनकारी शॉप भी है जहाँ पर बहुत सारी ऑथेंटिक जॉर्जेट वाले भी हैं और जो थोड़े से नकली जॉर्जेट वाले होते हैं वो भी हैं, मोडाल और मलमल कॉटन टाइप के भी हैं। उसके अलावा इनके पास जयपुरी प्रिंट्स वगैरह भी हैं, जो शॉर्ट कुर्ते वगैरह जो कॉलेज वेयर के लिए भी काफ़ी काम आते हैं, समर्स में ओवरऑल पहनने में ही काफ़ी ईजी रहते। आप ऑनलाइन भी भेजते हैं? अच्छा, आप थैंक यू। इंडी क्राफ्ट नंबर, ये मोडाल है, शॉर्ट कुर्तीज हैं, इसमें भी बड़े स्वीट स्वीट कलर्स हैं। कपड़े को क्या बोलते हैं, जॉर्जेट तो नहीं होता ये, लेकिन प्योर प्योर फॉर्म नहीं होता, हाँ वो है प्योर।
निखार फैब्रिक शॉप पे सूट सेट्स मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरे पूरे दुपट्टे और नीचे का अलग से फैब्रिक मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सूट्स भी हैं और थोड़े से सेमी फॉर्मल टाइप के भी हैं, किसी को गिफ्टिंग ऑप्शंस के लिए भी काफ़ी सही है। और इनके पास भी बहुत सारा मटेरियल होता है जो जयपुरी प्रिंट्स वगैरह भी होते हैं, और मोर ओवर लाइक फ्लोरल वगैरह भी मिल जाता है, जिसमें किसी में नेट लगा हुआ, किसी में लेस लगी हुई वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद इसी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कॉर्ड सेट्स मिल रहे थे, जो कि बहुत पॉपुलर हैं, आप नगर में देख सकते हो, जीके में देख सकते हो। तो ऐसे वाले प्रिंटेड वाले भी मिल रहे हैं, और एक डिफरेंट स्टाइल का है जिसमें नीचे जो है आपको पजामी टाइप की मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं पफ स्लीव के साथ। फिर सौंदर्य पे अब हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर भी फैब्रिक शॉप है, यहाँ पे भी आपको दुपट्टे मिल जाएंगे ऑर्गेन्जा में, और ये कुछ 850-950 रुपीज़ के मिल जाते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक मटेरियल होता है, तो उसकी प्राइसिंग उस अकॉर्डिंग ही होती है। फिर कॉटन की जयपुरी प्रिंट्स या राजस्थानी प्रिंट्स वाले, ब्लॉक प्रिंट वाले दुपट्टे भी मिल जाते। रनिंग फैब्रिक ₹125 से स्टार्टिंग प्राइस भी मिल जाएगा। हस्तकला एक और मेरा फेवरेट स्पॉट है, जहाँ से आप फैब्रिक ले सकते हो आउटर फ्रॉम स्क्रैच बनाने के लिए। यहाँ सूट सेट्स भी मिल जाएंगे, और इनके पास 3-4 फ्लोर हैं। हम आए हैं हस्तकला में, ये फैब्रिक शॉप, यहाँ पर दुपट्टे भी मिल जाते हैं अलग से, और कली वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। तो ऐसे टाइप के फैब्रिक्स भी हैं, अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, 2-3 फ्लोर होते हैं आपको ऊपर चढ़ के, अलग अलग फ्लोर पे जॉर्जेट, सिल्क, कॉटन वगैरह अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ से मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, वो आप अभी तक शायद देख चुके होंगे। डिज़ाइन योरसेल्फ है ना? हाँ, डिज़ाइन योरसेल्फ। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने बहुत सारे यहाँ पर कलेक्शन लेके, मतलब यहाँ से फैब्रिक लेके सिलवाया था, तो सिलवा के ना अपने टाइप की चीज़ बन जाती, बहुत मज़ा आता है। तो बहुत सारे फैब्रिक की कलेक्शन है, एम्ब्रॉयडरी वाली, ऐसी एम्ब्रॉयडरी, वाइट पर्पल। सो ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको मिक्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑर्गेन्जा वगैरह और बनारसी सिल्क और बहुत ही अच्छा चंदेरी सिल्क टाइप का मटेरियल मिल जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टाइप का होता है, बट इनके पास ऊपर भी फ्लोर में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हो। टाई एंड डाई वाले ग्रीन में दिखाना। सो मेरा सोचना ये कि मैं एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहती हूँ हस्तकला से, कुछ फैब्रिक लेके और अंडर अ बजट ट्राई करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है ये, क्योंकि इनका मटेरियल काफ़ी प्योर टाइप का होता है और इसलिए एक्सपेंसिव होता है। ये लहंगा बनाने के काम आता होगा ना, सूट के लिए भी। शीशे वाले हैं, ये कितने के पड़ते हैं? ये भी लहंगे के बनाने के काम आते हैं। और आपको वाइट फैब्रिक भी मिल जाएगा यहाँ पे पूरा, इसमें से आप कुछ भी डाई कराओ, मिक्स एंड मैच करो, इनर लाइनिंग वगैरह के भी काम आता है। ये गोटा सिंपल सूट्स के लिए पूरे सेट भी बने हुए हैं। तो ये वस्त्र कला, हस्तकला जो भी है, इनके बिल्कुल ऑपोजिट एक गली जाती है, जहाँ पर मैं आपको बहुत बार ही सूट्स दिखा चुकी हूँ। और ये सूट्स यहाँ पर जो मिलते हैं ना, वो एग्जैक्टली डिज़ाइनर वेयर के कॉपी होते हैं, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो इस गली को ज़रूर चेकआउट करना, यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो वस्त्र कला से हम गली के अंदर घुस गए हैं, माई फेवरेट गली, आर फेवरेट एक्चुअली। यहाँ से हमेशा मैं सोचती हूँ लेके जाऊँगी, लेके ही जाऊँगी। कैसे सूट्स कलर क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, क्या कलर है, रस्ट भी कॉपर ब्रॉन्ज, कॉपर ब्रॉन्ज। इसमें देखो बनारसी सिल्क मटेरियल है, साथ में बहुत सारा ही वर्क हुआ हुआ है। एक्चुअली मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए एक वाइट सूट ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ से वो वाला काम भी हो जाएगा और साथ में शूट भी हो जाएगा। मस्टर्ड मिल गया, अच्छा लग रहा है मुझे मस्टर्ड वाला भी। स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी आई हुई है, बड़े डिफरेंट यूनिक कलर्स हैं इनके पास, बड़े सोबर टाइप के, ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ, ये क्या, टील ब्लू, मस्टर्ड एंड मोव, थोड़े ब्राइट कलर्स भी हैं, पिंक। यहाँ पे भी कलेक्शन अच्छी लग रही है, ये शायद पाकिस्तानी सूट्स वाली शॉप है। सिंपल सूट्स के लिए भी है यहाँ पर शॉप अलग अलग, ये भी शोरूम। अगर आप ट्रूजो पैकिंग करने के लिए देख रहे हो कि कहाँ से खरीदूँ कुछ अच्छे टाइप के सूट्स, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको गिफ्टिंग के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस देखनी है शादी पे, जैसे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट चलते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगी।
बस यहाँ पर बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि थोड़ा सा ओवरचार्ज करते हैं, जैसे 4500 बोलेंगे तो 2500 3000 रुपीज़ ऐसा ज़रूर ट्राई करना इनको बोलने का। भैया ये भी निकाल के दिखाना। हाय मेरा दिल आ गया इस पे, लड़के वड़के छोड़ो सब सूटों पे दिल आने लग गए हैं। काफी प्रिटी है यार ये वाइट में गोटा पत्ती वाला, और बड़े सोफिस्टिकेटेड भी लगते हैं मुझे ऐसे वाले। ऐसा तेरे सोबर एंड प्रिटी, वाओ सो हैप्पी। तेरा मेहंदी पे भी किस पे वाइट ही था ना? हाँ वाइट ही था, ऐसा ही था सिमिलर, बट ये शरारे के साथ तो गरारे के साथ है और दुपट्टा भी है। मटीरियल क्या है ये? यही है शॉप नंबर 48 भैया, 50% सब शिल्पा शेट्टी वाला डिजाइन है भैया बता रहे हैं। क्या शॉप नंबर है आपकी? नंबर 32 नंबर। नीचे क्या है? प्लाजो नीचे गरारा है। और स्लीव्स भी इसकी बड़ी डिफरेंट है, ऐसी फ्लेयर वाली टाइप है, बेल्ट स्लीव्स बोलते हैं इनको। वेरी स्वीट, थोड़ा डिफरेंट डिजाइन है। बस मैं कलर दूंगा, 3 कलर प्योर में आएगा। दुपट्टा ऐसा है और नीचे शरारे गरारे नीचे क्या है? कपड़ा मतलब क्या बन जाए, कितना बन जाएगा, कितना मीटर है? 2.5 मीटर। एक्चुअली लाइटिंग की वजह से डिफरेंट लग रहा है, ये है क्रीम वाइट, सॉर्ट ऑफ वाइट ही कलर मानोगे इसको, ऑफ वाइट ऑर्गेंजा में ये दुपट्टा पर कितने मेरे को चाहिए वाइट बेस में ये वाले टाइप के कपड़ा। हाँ इनमें से दिखा दो, ये वाइट वो वाइट दिखाओ दिखाओ। कितने का? कितने का? 55। में कौन सी शॉप नंबर है आपकी? ऑरेंज कलर में क्यूट है ना, स्वीट है ना। इसमें दुपट्टा सेम कलर का है, पूरे पूरे सेट्स बन जाते हैं। इस वर्क को क्या बोलेंगे, ब्लॉक प्रिंट? ब्लॉक प्रिंट। और इसमें नीचे भी मटेरियल दिया हुआ है अलग से, आप कुछ भी सिलवा सकते हो, शरारा पैंट चूड़ीदार जो भी आप करेंगे। फिक्स प्राइस शॉप है, कोई बार्गेनिंग नहीं है इनके अकॉर्डिंग। थोड़ी सी बड़ी लेडीज़ के लिए गिफ्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, आपकी मदर हो, ग्रैंड मदर हो, ऐसे कलर्स। गोटा वर्क वाले और भी हैं प्रिंट में विद फ्लोरल सर्किल कलर्स विद सर्किल वर्क। यहाँ से निकल आए, तो अब हम निकल आए हैं, कहाँ पर हैं मैं दिखाते हूँ। अब हमें स्टैंड मैक्स लिबास के पास, ये 750 वाले नॉर्मल सूट्स हैं, डेली वेयर वाले 1000 में भी हैं। आजकल ये वाला डिज़ाइन काफ़ी चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट, और इसमें बहुत सारी कलेक्शन ऐसी वाली भी है। लाजपत नगर में कोई कमी नहीं महसूस होगी आपको, क्योंकि 500 से स्टार्टिंग प्राइस वाले भी कुर्ते सेट्स मिल जाएंगे आपको, 500 750 1000 रुपीज़। तो बीच बीच की ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स आएंगी जहां पर आप इस टाइप के सूट सेट्स देख सकते हो। क्यूट कूल टी शर्ट्स गैंगस्टर। एक और हिडन शॉप दिखाती हूँ, स्टैंडर्ड डायमंड्स या स्टैंडर्ड जो भी शॉप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक आपको मिल जाएंगे ये चिकनकारी कुर्ते, जो थोड़े से और रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे। इनके पास पैंट स्टाइल्स वगैरह भी होती हैं, जैसे शरारा वगैरह इसके साथ मैच करने के लिए, और इनर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, इसमें मिरर वर्क मोडाल वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कुंदन ज्वेलरी दिखा देती हूँ, तो ये सिमको के पास या ड्राई फ्रूट कॉर्नर के पास आप समझ लो आपको बहुत ही अच्छी गली मिलेगी, जहाँ पर आपको कुंदन ज्वेलरी मिल जाएगी टू मिक्स एंड मैच विद योर
सूट्स और लहंगाज और वट एवर, बट ये थोड़ी नकली कुंदन ज्वेलरी होती है, इट्स नॉट द मोस्ट रियल टाइप, लेकिन जो ये ना काम चलाने के लिए बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि आप एक बार में या पाँच बार में यूज़ करो और देन यू कैन ऑलवेज पास इट ऑन टू समबडी एल्स, और या फिर अगर आपको रीयूज़ भी करना हो तो किसी सिंपल फंक्शन में कर सकते हो। इसमें टेम्पल ज्वेलरी वगैरह मिल जाएंगी, और बीच में एक दो शॉप्स भी हैं इस गलियों में जो जिनमें और ज़्यादा ब्राइडल ज्वेलरी टाइप की लेवल का मिल जाएगा, जो थोड़ी और रियल लुकिंग होती है या और ऑथेंटिक लगती है, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होती है, जैसे 2000-3000 रुपीज़ का प्राइस मिल जाएगा। जैसे ये वाली जो ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा रियल लुकिंग टाइप की है। इनके पास बैंगल्स वगैरह मिल जाती हैं, जैसे अब करवा चौथ वगैरह आएगा तो उसके भी काफ़ी काम आते हैं ये सब यहाँ से लेने के लिए। और टेम्पल ज्वेलरी में इनके पास चोकर्स भी हैं, बैंगल्स भी हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, राजस्थानी स्टाइल की ज्वेलरी इनके पास मिल जाएगी। और ये तीन चार शॉप्स हैं जो मैं आपको एक गली में दिखा रही हूँ सिमको वाली, यहाँ पे दो गलियाँ मेन जहाँ पर आपको कुंदन ज्वेलरी मिल जाएगी। इनके पास सिल्वर ज्वेलरी भी आई हुई थी थोड़ी बहुत, तो ये मुझे दिखा रहे थे कि ऐसी वाली भी देख सकते हो, और अमेरिकन डायमंड भी आया था, एडी बोलते हैं जिसको, वो सब भी आया हुआ था। तो किसी किसी दिन अगर सैटरडे संडे को आप जाओगे लेने के लिए तो आपको ओवरचार्ज्ड ज्वेलरी मिलेगी। यहाँ मंगलसूत्र और आपको चूड़ा वगैरह भी जो है वो भी मिल जाएगा, डायमंड लुकिंग वैसे भी मिल जाएगी। तो कुछ बाहर की भी गली है जो रेमंड शोरूम के ऑपोजिट आपको दिखेगी, जहाँ पर ऐसे ठेले से लगे होंगे, स्टॉल्स लगे होंगे बेसिकली, उनके पास भी थोड़ी और रीजनेबल प्राइस मिल जाएगी, 500-600 रुपीस। ब्राइडल वेयर जैसा जो मैंने ब्लाउजेस दिखाए थे ना डीप नेक वाले, उनके साथ बड़ा जाएगा ये, और कलर्स भी बड़े स्वीट से है ना, पेस्टल साथ में कुंदन, ये देखो ग्रीन में भी, ग्रीन ऐसा कलर होता है जो किसी के साथ भी कंट्रास्ट में चल जाता है, तो ये मोटे मोटे टाइप के कुंदन है, और वही सेम स्टाइल्स मिल जाएंगे, थोड़ी लाइटिंग बेटर ऐसे वहीं आई हूँ, कुछ मल्टी कलर्ड में है, इसमें स्ट्रिंग्स लगवाने पड़ते हैं आपको। ये मीना वर्क सॉर्ट ऑफ है, और नीचे भी बिग स्टोन वाले हैं कुंदन ईयर रिंग, साथ में ऐसे स्टाइल के भी हैं, तो मिक्स एंड मैच कर सकते हो ईयर रिंग्स को, बहुत सारी इसमें ट्रिंकलेट्स हैं, वो भी बहुत स्वीट लगते हैं। सो जो ज्वेलरी है ना उसको मिक्स एंड मैच करने के लिए, एक तो आप अपने आउटफिट को लेके जा सकते हो, उसके साथ बीड्स मैच कर सकते हो या कंट्रास्टिंग क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि पिंक और ब्लू को मैच कर सकते हो, ग्रीन और रेड को मैच कर सकते हो, तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, देन योर आउटफिट लुक्स इवन मोर ब्यूटिफुल। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो अपने ऊपर लगा के विद योर आउटफिट कि कैसा लग रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल ऑप्शंस हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, कि अगर आपको एक बार ही कोई आउटफिट के साथ पहनना है तो यू वॉन्ट फील कि यार बहुत महंगा ले लिया एंड स्टाफ। सीता फैब्रिक्स के ऑपोजिट भी ब्लाउज वाली शॉप है, यहाँ पे भी लेंगे और सेट्स मिल जाएंगे पूरे पूरे, तो ये देखो ब्लाउज की ऑप्शन काफ़ी सारी हैं, वाइट चिकनकारी में भी है, और सेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे प्रॉपर बने हुए, ये ब्लाउज ये नेक अच्छी लगती है बी वाली। सो ये दो शॉप्स मैंने दिखानी चाहिए आपको सीता फैब्रिक्स के ऑपोजिट, अगेन इसमें भी ब्लाउज़ भी मिल जाएगा, लहंगा भी मिल जाएंगे, कुछ सेट्स इन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर आपको मिक्स एंड मैच खुद करना है तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें से पैड्स रिमूव करवा सकते हो, स्लीव ऐड करवा सकते हो, इसमें भी बहुत सारी इनके पास ऑप्शंस हैं, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे जैसी लग रही है, टैग वैग भी नया प्रॉपर ओरिजिनल ही है, भैया कह रहे हैं इसमें बहुत सारे कलर्स भी, ऑरेंज ब्लैक वगैरह भी है, और ड्रेसेस भी इनके पास वाइट मसलिन क्लॉथ सॉर्ट ऑफ कपड़े भी हैं, ट्राउजर्स हैं, और ये पड़ता है कौन सी गली है भैया, कुकर वाली गली मशहूर है, कुकर वाली गली मशहूर है ये, ये भैया भी है। बहुत हुई शॉपिंग, बहुत हुए मज़े, अब लाइक का बटन जरूर दबा के जाना, क्योंकि मैं छोटा बेबी घर छोड़ के आप लोगों को कंटेंट देने आ रही हूँ, उसके लिए मुझे एक एफर्ट के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।